वीडियो होने वाला है एप्सन DS530 का, और ये हाई स्पीड इसका आ रहा है जिसमें USB नॉट रिकॉग्नाइज और डिटेक्टर्स का इश्यू आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे लॉजिक कार्ड का फॉल्ट इशू है। तो देखिए यहाँ पे USB पोर्ट अंदर से टूट चुका है, बिल्कुल डैमेज है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो लाजवाब होने वाला है, देखिए कैसे इसको मैं ठीक करूँगा USB नॉट रिकॉग्नाइज डिटेक्टेड में, क्योंकि मैं इसमें लगा नहीं रहा हूँ, शॉर्ट हो जाएगा अगर इन केस कहीं टच हो गया तो। मे भी हो सकता है ये शॉर्ट हो गया हो या जो भी हो, वो हम लगाने के बाद देखेंगे। बट हम यहाँ पे अभी पोर्ट चेंज कर रहे हैं, उसके बाद से हम चेक करने वाले हैं। तो कृपया लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को देखिए। तो मैं यहाँ पे खोल चुका हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ऐसे कवर निकाल लेंगे, पेज निकाल लेंगे बाद, ठीक है। ये इसका लॉजिक कार्ड है, और यहाँ पे डीप से देखें तो यहाँ पे डैमेज है, ओके। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ जैसे LVDS केबल होता है लैपटॉप का, उस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे इंटरफेस। तो यहाँ से अनलॉक करना है और यहाँ पे केबल को खींच लेना है, ठीक है, जो डिस्प्ले केबल है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको अंत तक देखिए रिपेयर करके दिखाऊंगा कि USB नॉट रिकॉग्नाइज या डेड डेड इशू को कैसे फिक्स करते हैं। तो तब तक कार्ड खोल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको फाइनली कार्ड को हमने यहाँ से निकाल लिया है, और ये कार्ड है अपना। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको एक चीज़ है, जैसे कि आपका 5000 S4 वगैरह या S3 का 3000 S3 का कार्ड वगैरह है, तो उसका आप आसानी से यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं उसका ये पोर्ट, क्योंकि ऐसे सिमिलर होता है। देखिए यहाँ पर भी ऐसे डिजाइन होता है, ठीक है। तो हम इसको लगाएंगे, अदरवाइज़ आपका काम नहीं करेगा, सेम नहीं लगा होगा तो, ठीक है। इसको खोल के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, कार्ड निकाल लिया हमने, अब इसको पोर्ट को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। रिप्लेस करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए आपका और कोई कंपोनेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सीधा कनेक्शन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ फ्यूज लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए लाइन लगे हुए हैं, इनको हम चेक करेंगे। इन लाइन को आपको चेक करना है, L2, ठीक है, लाइन 2। तो इसको चेक करेंगे, इसको चेक करने के बाद अगर वीप करता है, पकड़ना सलमान, तो क्या है कि इसमें बीप आना चाहिए, जैसे कि ठीक है। तो ओके हमारा लाइन। ये पोर्ट चेंज करने के लिए आपको सीधा सोल्डरिंग करना है, हल्का सा इसमें थोड़ा सा सोल्डरिंग करना है, जिससे तुरंत आपका कार्ड ये निकल जाए, रिप्लेस कर सकें। ये देखिए शोल्डर इसीलिए कर दिया कि आसान हो जाएगा निकालना, क्योंकि ये हार्ड शोल्डर होता है जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके रखता है, जो हम लगाते हैं वो फाइन शोल्डर होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि इनको लो कॉस्ट में बनाना होता है, ठीक है। तो ये तो शोल्डरिंग हमने कर दिया, आप पहले इसको फॉल्टी वाले को निकाल लेते हैं, फिर डिफेक्ट ओके वाले को निकालेंगे, जो डोनर बोर्ड है उससे हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हल्का हल्का आपको हीट देना है, 400 से 500 जल्दी हीट करके निकालोगे तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा, और कोई कंपोनेंट ख़राब होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। इस तरह से शोल्डर निकल जाते हैं आपके करने से, जिस तरह से, क्योंकि ये फॉल्टी आपको किस वे में निकालना है, ख़राब ना हो, एक हाथ से यहाँ दबाना। तो एक बार इसको फॉल्टी पार्ट आपको निकालने में बस टाइम लगता है, देखिए निकल चुका है, ओके। अब इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं दोस्तों, जिससे हमें वन टाइम में ही लगा सकें।
देखिए जैसे इसके होल्स वगैरह हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं आइसो की मदद से हाथ वक्त, क्योंकि लंच समय हो चुका है तो काफ़ी लोग भी इंतज़ार भी कर रहे हैं। ठीक है, अब डोनर बोर्ड से हम निकालते हैं इसकी ये, तो इसके लिए हम वही फॉलो करेंगे, हीट देंगे और निकाल लेंगे, इसको निकाल के उसमें लगाएंगे। ठीक है, ये आसानी से निकल गया। देखिए अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो अपना हो गया काम, थोड़ा क्लीन करके लगा देंगे। बस हमें डिटेक्शन चेक करना है, उसके बाद से हमारा फाइनली जो है खोल दो, फाइनली हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ लोगों को इग्नोर करते हुए अपना काम करके आगे बढ़ना। डैमेज वाला है, ये अपना गुड है। देखिए डी शोल्डर यूज करते हैं, थोड़ा सा डी शोल्डर वाला कहाँ देना यूज़ करते हैं, जैसे कि इसके नोज़ल जैसे हैं। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है, इनको ब्लॉक होते हैं, इनको खोल ओपन करने के लिए, इसलिए डी शोल्डर वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। कोई कोई होता है जो कि जल्दी खुलता नहीं है आयरन से। ठीक है, हिस्सा नहीं खुल रहा है तो कोई नहीं, इसका अभी हम एक नया टेक्निक लगा कर रखे हुए हैं। अब इसका हम नोजल लेंगे और वापस SMD को लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लगभग बन चुका है, अब हम इस पर लगा देंगे कनेक्टर। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप एक बारीक ट्वीज़र का इस्तेमाल करिए, जैसे कि
हल करेंगे जिसका अच्छी हो बारीक हो ट्यूजर। ये कभी कभार करना होता है, लेकिन ये क्या है कभी कभार फंस जाता है ऐसा केस, तो करना होता है, अदरवाइज यहाँ की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस तरह से आसानी से क्या होगा, नोज़ल क्लियर रहता है तो फिट हो जाता है, अदरवाइज हमें जो प्रोफेशनलिटी आती है वो नहीं आता इसमें। देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे एक पोर्ट दिया है, पता नहीं यहाँ पे कंपोनेंट लगा है कि नहीं, काम करेगा कि नहीं, नो आइडिया, लेकिन हम यहीं पे लगाएंगे इसके होम पोजीशन पे, क्योंकि एक पोर्ट एक ही है तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो पोर्ट ख़राब हो जाएगा तो यहाँ पे मार्केट में मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अलाइनमेंट यहाँ पे कुछ पिंस अलाइन नहीं थे तो ये भी अलाइन हमने कर लिया। देखिए अब शोल्डर कर लेते हैं, क्योंकि एक दो मिनट का काम था, इसमें 10 मिनट लग गया, तो हाथों हाथ कर लेते हैं। ये हमने पोर्ट सक्सेसफुली यहाँ पे बदल लिया, ठीक है। अब दोस्तों जल्दी से हाथों हाथ चेक कर लेते हैं डिटेक्शन पावर देखे, तो ये अपना डिस्प्ले है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले कनेक्ट करते हैं। बाकी मोटर वगैरह बाद में देखेंगे, और ये पावर ठीक है, यहाँ पे स्पार्क कर लिया, और यहाँ से यूएसबी और ऑन करके देखते हैं, तो ये ऑन हो गया, लाइट जल गई। इधर आकर देखेंगे तो नीचे बट यहाँ पे एरर दे रहा है, और सिस्टम में देखें तो सिस्टम में डिटेक्शन दिखाना चाहिए। देखिए DS 530 यहाँ पे दिखा दिया, अब स्कैन करके हम दिखाएंगे आपको वीडियो अटैच करके। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ऐसे हम वीडियो लाते रहते हैं।